नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हमीरपुर में समाज सेवियों ने किए कंबल वितरण। यूं तो पूरे प्रदेश में ठंड का कहर जारी है, पारा दिनों दिन कम होता जा रहा है। जनपद हमीरपुर में भी पारा 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही ठहरता नजर आ रहा है, जिसके कारण जनमानस का जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग ठंड के प्रभाव बचाव के लिए तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भी ठंड के कारण जनमानस को किसी भी तरह की हानि ना पहुंचे, इसलिए जनपद के समाज सेवी कंबल वितरण का कार्य करवा रहे हैं। जनपद हमीरपुर के सुमेरपुर विकास खंड के ग्राम चंदौखी सहित आसपास के गांवों ग्रामवासियों के लिए कंबल वितरित किए गए, जिसमें कि सैकड़ों संख्या में ठंड से ठिठुरते ग्रामवासियों ने कंबल प्राप्त किया, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना देखने को ही मिल रहा था। समाज सेवियों के साथ साथ सदर कोतवाल सहित पुलिस कर्मियों ने भी इस कंबल वितरण में सहयोग दिया। हमीरपुर जिले में एक हफ्ते से बराबर सर्दी का पारा गिरता हुआ ही नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए साईप्रा कंस्ट्रक्शन समाज सेवी विमल श्रीवास्तव ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर गांव वालों को कंबल वितरण कराए। इस दौरान सदर कोतवाल सहित कई समाज सेवियों ने कंबल वितरण में सहयोग किया। हमीरपुर से चमन अली की रिपोर्ट। चिकित्सालयों, महिला चिकित्सालय और पुरुष चिकित्सालयों में पृथक पृथक रैन बसेरा की व्यवस्था है, जिसमें वहाँ पर आने वाले तीमारदार रुकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को ठंड से दिक्कत न हो। इसके अतिरिक्त कंबल वितरण का भी कार्य कराया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रभावित ठंड से प्रभावित न हो।